जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं जा रहा हूँ डोंगरगढ़, जो कि माँ बमलेश्वरी जहाँ पर स्थित है, और मैं ये वीडियो स्पेशली मैं नवरात्र के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं। सो बहुत से लोग डोंगरगढ़ जाने की कोशिश करेंगे, सो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें और आप ये बात को समझें कि आप डोंगरगढ़ क्यों नहीं जा सकते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़। और डोंगरगढ़ में पहुंचने के बाद हमको ये पता चला कि यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे और बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही, भी बहुत कम है। और जो जिन लोगों को पता है कि मंदिर अभी शुरू है, बस वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जहाँ भीड़ रहती थी, अभी यहाँ पे कोई कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं और रास्ता पूरा सूना है। और जो आप एंट्री गेट जो है, वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं, रोपवे शुरू है। तो दोस्तों, हम लोग रोपवे से जा रहे हैं और रोपवे पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सैनिटाइजिंग मशीन भी लगाई गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि मास्क पहने रहना ज़रूरी है। और दूसरी बात, इस बार नवरात्र में ये मंदिर नहीं खुलने वाला, मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ ये क्यों नहीं खुलने वाला। जिस दिन हम लोग डोंगरगढ़ गए, उसके एक दिन पहले ही कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि नवरात्र में हम लोग मंदिर नहीं खुलने वाले। जब मंदिर नवरात्र के पहले तक खुला रहेगा भक्तजनों के लिए, और नवरात्र में पूरे टाइम बंद रहेगा मंदिर, खाली पुजारी जो लोग कमेटी के वो लोग ही जा सकते हैं, और बाकी जो लोग हैं आम आदमी या जो भी भक्तगण हैं जो जाना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं जा सकते, उनके तरफ में बंद रहेगा मंदिर। सो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नवरात्र में कोई डोंगरगढ़ ना पहुँचे। इससे अच्छा है कि आप ये वीडियो को शेयर करके आप दर्शन ले सकते। चलिए दोस्तों, अपन रोपवे से ऊपर चलते हैं और मैं आपको दर्शन दिखा देता हूँ माता जी के। और रही बात दूसरी, वहाँ पे एक कमेटी मेम्बर है, उनसे मैंने बात की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने ही हमें बताया है कि इस बार नवरात्र में मंदिर बंद रहने वाला है, और आप अभी आए इसलिए आप लकी है। सो हम लोग तो लकी है ही। सो आप लोग अगर एंजॉय करना चाहते हैं या डोंगरगढ़ के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। बाकी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। संजय भंडारा महाराष्ट्र 8390। तो इन महोदय ने हमें बताया कि कल कमेटी की बैठक हुई और वहाँ पे डिसाइड हुआ है कि नवरात्र में इस बार मंदिर बंद रहने वाला है। सो आप लोगों से विनंती है कि नवरात्र में यहाँ भीड़ जमा ना करें और यहाँ पे आने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन लोगों ने तो डिसाइड किया है कि इस बार नवरात्र में हम मंदिर लोगों के लिए नहीं ओपन करने वाले, क्योंकि कोविड के चलते और पेशेंट जो बढ़ रहे, इस हिसाब से मेरे ख्याल से भी वहाँ जाना उचित नहीं। अगर आप लोग नवरात्र के बाद या नवरात्र के पहले जाना चाहते हैं, तो आप लोग एक वैलिड आईडी प्रूफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, यह सब आपको बताना पड़ेगा जब आप ऊपर चढ़ते हो। जब मंदिर के पास पहुँचते हो, या महोदय आपको मिलेंगे, इनको आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी है, ये वहाँ पर दर्ज करेंगे ताकि आप ऊपर बढ़ सके। ऐसी कुछ प्रोसेस कोविड में शुरू हुई है यहाँ पर। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और शेयर ना कर सके तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत करके मैं वहाँ पे गया और ये वीडियो बना के आया आपके लिए, बस नवरात्र के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।